Hello everyone. We'll continue from yesterday's topic, that is respiratory system. In yesterday's topic, what we did is we talked about respiratory system, where we talked about what is respiration as well as various organs that were involved in respiration. That was, we talked about nose, larynx, pharynx, trachea. We also talked about bronchioles and the component of our lung. We also discussed about lung and its various components. So these were the topics that we discussed in our last lecture. So we'll be moving forward today with the continuation of respiratory system. Again, when we are talking about respiratory system, we are talking about respiration. So a quick recall on the definition of respiration. Respiration is defined as a biochemical process wherein the living cells of an organism produce energy by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of food or nutrients. So respiration kya hai? Ek biochemical process hai jahan pe ek living organism ya phir jo cells hai living organism ki wo kya kar rahe hai? Wo oxygen ko intake kar rahe hai aur release kya kar rahe hai? Carbon dioxide. Aur ye process ho kaise raha hai? By breakdown और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जो हम खाना वाना कंज्यूम करते हैं उसी खाने में से न्यूट्रिएंट रिलीज हो, उन्हीं न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करके हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. और इसी एनर्जी को प्रोड्यूस करते समय हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं. आज हम जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं, जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही है, उनके बारे में हम डील करने वाले हैं. सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कितने टाइप का हो सकता है? अब डिपेंडिंग कहाँ हो रहा है, हमारी बॉडी में कहाँ ये परफॉर्म करी जा रही है. रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. सो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल इंटरनल. फिर इंटरनल वापस डिवाइड हो जाती है दो टाइप्स में, एरोबिक एंड एरोबिक. ये डिफ्रेंशिएशन किस बेसिस पे? ऑक्सीजन की अवेबिलिटी पे. अगर ऑक्सीजन एब्यूनेंटली मौजूद है तो फिर एरोबिक, अगर कम है तो फिर एनएरोबिक. इंडिविजुअल एक एक रेस्पिरेशन मेथड को देखेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. सो फर्स्ट रेस्पिरेशन मेथड फेज और टाइप इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग बींग्स एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज CO2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग, या फिर हमारे एनवायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द. हम क्या करें? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं. सो यू आर ब्रिंगिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एंड एक्सचेंजिंग इट इन आर लंग्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कहाँ करते हैं? एनवायरमेंट में या फिर सराउंडिंग. तो ये जो एक्सचेंज जो हमारे लंग के साथ हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो ये हो कहाँ रहा है? लंग्स में हो रहा है. इसमें हो क्या रहा है? हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं. ठीक. So it is a process in which living beings exchange respiratory gases, that is CO2 and oxygen, with the surrounding or from the surrounding. Next, external respiration involves the process of breathing. जब हम external respiration की बात करते हैं, हम breathing की भी बात कर रहे हैं. What is breathing? Breathing is the process by which atmospheric air enters inside the lungs, also known as inspiration. And later pumping out of air out of the lung called as expiration. ठीक. तो इस चीज को हम याद रखेंगे. ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग का मतलब जब हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग. इनहेलेशन ऑफ एयर को हम क्या करें? इंस्पिरेशन. एक्सहेलेशन ऑफ एयर को हम क्या करें? एक्सपिरेशन. ठीक. ओके. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर यह है, जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट O2 एंड CO2. लेकिन ब्रीदिंग में हमने O2 एंड CO2 की बात नहीं करी, हमने बस एयर की बात करी है. लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये टर्म यूज करते हो, तो आप बात करते हो रेस्पिरेशन. बहुत बारीक सा डिफरेंस है. तो अगेन ध्यान रखेंगे, रेस्पिरेशन में हम कौन से गैस की बात कर रहे हैं? O2 CO2. लेकिन ब्रीदिंग में O2 CO2 के बारे में हम कभी भी जिक्र नहीं करेंगे, हम बस एयर के बारे में जिक्र. हाँ, एयर में O2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, डजेंट मैटर. ठीक. तो ये एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत बारीक सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. अगेन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज अ प्रोसेस इन विच O2 एंड CO2 गेट्स एक्सचेंज विद इन आवर बॉडी. जबकि ब्रीदिंग क्या है? वी आर इनटेकिंग एयर एंड एक्सहेलिंग एयर. अब इस एयर में क्या है क्या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है. So external respiration uses the process of breathing. Okay, तो external respiration हो गया, कहाँ पे हो रहा है? Lungs में हो रहा है, जहाँ पे हम O2 और CO2 को exchange करें, और इसी दौरान हमने breathing भी करा है. अब आगे move करेंगे internal respiration की तरफ.
जैसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाता है, व्हाट हैपेंस इज CO2 तो बॉडी से बाहर एक्सपेल हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन कहाँ गया? लंग्स के अंदर। अभी जो ऑक्सीजन है लंग्स से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के सहारे हमारी बॉडी में सप्लाई कर दी जाती है, फिर हमारे ब्लड के सहारे ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल हर एक टिश्यूज तक कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा और वहां पर रेस्पिरेशन होता है। ठीक, सो द साइट फॉर इंटरनल रेस्पिरेशन इज एट सेल्यूलर लेवल, इसका लंग से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे टिश्यूज हमारे सेल्स के अंदर ये रेस्पिरेशन हो रहा है। देखते हैं इसके बारे में, द इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। द गैसियस एक्सचेंज टेकिंग प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू और सेल थ्रू टिश्यू फ्लूइड, लिफ्ट के सहारे जब ये O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, हम इसी को क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया Inside the cell, hence also called as cellular respiration. इस चीज को हम ध्यान रखें क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, सेल में भी कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसी वजह से हम इंटरनल रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था, लंग्स में हो रहा था, इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा, सेलुलर लेवल पे हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस दौरान O2 और CO2 कहाँ एक्सचेंज होगी, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड या फिर टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके लेके आएंगी, टिश्यूज तक सप्लाई करें, टिश्यूज उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करें और रिलीज क्या करें, CO2, फिर CO2 वापस कहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा, ब्लड में रिटर्न कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो इंटरनल रेस्पिरेशन है सेल्यूलर लेवल पे कैरी फॉरवर्ड करी जाती है। नेक्स्ट, इंटरनल रेस्पिरेशन के टाइप्स पे आते हैं, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है नहीं है, इसके हिसाब से रेस्पिरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, दो, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या रहेगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हाई रहती है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम या फिर ना जीरो के बराबर हो जाता है। देखते हैं इंडिविजुअली एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, इसकी जो खासियत क्या है, यहां पर ऑक्सीजन एब्यूंडेंटली मौजूद है। देखते हैं इसके बारे में, इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। याद रखिएगा यहाँ पे जो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन बोथ एनिमल एंड प्लांट दोनों में ही होता है, जहां पे कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही है बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक, द प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा, हैव अ लुक अराउंड। सो व्हाट इज हैपनिंग इज ग्लूकोज, ये हमारा फूड न्यूट्रिएंट है जो कि डाइजेशन के दौरान हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करा गया था, फिर सर्कुलेशन के जरिए इस ग्लूकोज को ब्लड के सहारे हर एक सेल हर एक टिश्यू तक पहुंचा दिया गया है। ठीक, और फिर ये सेल के अंदर जब एंटर हो जाता है, साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया इसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो देखते हैं इसी ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म पाइरुवेट, ग्लूकोज टूट जाता है और प्रोड्यूस क्या होता है, पाइरुवेट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ये हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया, ग्लूकोज से जब पाइरुवेट बनता है हम इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट, सो ग्लूकोज से बनेगा पाइरुवेट, फिर पाइरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल के सहारे क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। दिस 38 ATP इज योर एनर्जी मॉलिक्यूल, हम इस चीज को याद रखेंगे। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, इट इज प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ ATP। ठीक, इसी रिएक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारे क्या है सब मतलब कह सकते हो रिएक्शन दिए गए, जैसे ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होकर पाइरुवेट बन रहा है, फिर पाइरुवेट को हम ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप शॉर्टकट में अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, नीचे आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ये नीचे नीचे रिएक्शन दिया गया सेम ऊपर वाले रिएक्शन का है, लेकिन इसमें हमने इंटरमीडिएट को हटा दिया, ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस पाइरुवेट वाला प्रोसेस हमने हटा दिया। देखते हैं, सो यहाँ पे ग्लूकोज मौजूद है, जो ये वाला ग्लूकोज था, यहाँ पे जो ग्लूकोज आपको दिख रहा था यही ग्लूकोज यहाँ नीचे आ गया C6H12O6। ठीक, फिर 6O2, यहाँ पे जो हमने बात करी थी ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन की बात हो रही है, 6O2 विल गिव राइज टू 6CO2, 6H2 एंड 38 ATP। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड, एंड फर्दर ऑन पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इंटू CO2। इन दिस प्रोसेस ATP इज रिलीज्ड and water molecules are
produced और formed at the end of this process. एरोबिक रिएक्शन को हम थ्री मार्कर के हिसाब से मार्क करेंगे प्लस इसके रिएक्शन को हम रट लेंगे. दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप फॉलो कर सकते हो जो आपको आसान लगे. आई वुड सजेस्ट कि जो नीचे वाला जो रिएक्शन इस रिएक्शन को आप फॉलो करिए, याद रखने में आसानी रहेगी. सो व्हाट इज एरोबिक रिएक्शन? यहाँ पे ऑक्सीजन की एबंडेंस होने की वजह से यहाँ पे फूड या फिर जो ऑक्सीजन जो न्यूट्रिएंट है दैट इज ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक, जब कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है प्रोड्यूस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी. यहाँ पे एटीपी क्या है? एनर्जी यूनिट है या फिर एनर्जी मॉलिक्यूल है. फुल फॉर्म क्या रहेगा इसका? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं एनएरोबिक रिएक्शन की तरफ. एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनएरोबिक प्रोसेस का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी. अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है इस टाइप के रिएक्शन को, इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं एनएरोबिक. देखते हैं इसके बारे में. इट इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस और शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो यहाँ पे एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही जा रही है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है? आइदर कम है या फिर बिल्कुल है ही नहीं. ओके, नाउ ये जो एनएरोबिक प्रोसेस है ये हमारे एरोबिक प्रोसेस से डिफरेंट कैसे है? वहां पे एरोबिक प्रोसेस में क्या हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कर रहे थे? ऑक्सीडाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोड्यूस क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके होगा. जब यहाँ पे पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड को हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है. अब ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उस बेसिस पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो वेरी कर सकते हैं. इथाइल अल्कोहल जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फॉर्मड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया, व्हाइल लैक्टिक एसिड इज फॉर्मड इन मसल्स एज वेल एज सम माइक्रोब्स. सो डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म ये जो प्रोडक्ट है वेरी करेगा. जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन फंगस, ईस्ट, बैक्टीरिया में होता है तो वहां पे इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल प्रोड्यूस होगा. शायद इस प्रोसेस को आप एक और नाम से जानते हैं, फर्मेंटेशन. अब यही फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसकी वजह से अल्कोहल वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं जो कंज्यूम करा जाता है. अल्कोहल स्पिरिट हो गया या फिर ब्रेड मेकिंग में भी हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं. हम कार्बोहाइड्रेट में क्या करते हैं? फंगस को जो ऐड कर देते हैं, तो इसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है. फर्मेंटेशन की वजह से अल्कोहल बनेगा और वही अल्कोहल को हम इंडस्ट्रियली यूज भी करते हैं. ठीक, और वहीं पे अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होता है तो फिर प्रोड्यूस क्या होगा? लैक्टिक एसिड. अब इन दोनों प्रोसेस को हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शंस को हम नीचे देख लेते हैं. ओके, दिस फर्स्ट रिएक्शन ओवर हियर, ये जो रिएक्शन है कहाँ हो रहा है? मसल्स, मसल टिश्यू. यहाँ पे जो हमने बात करी थी मसल्स की, बस वही मसल टिश्यू की बात करी जा रही है. दैट मीन्स इट ऑकर्स इन एनिमल्स. देखते हैं अगर एनिमल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो फिर क्या होगा. अगेन, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के सारे किसमें कन्वर्ट हो गया? पाइरुवेट. इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक, ऑक्सीजन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ग्लूकोज आराम से ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाएगा? पाइरुवेट. इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस. लेकिन यहाँ पे चेंज आया, पाइरुवेट तो बन गया लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं. तो इसकी वजह से पाइरुवेट से क्या प्रोड्यूस होता है? टू लैक्टिक एसिड एंड टू एटीपी. अगर आपको याद हो एरोबिक प्रोसेस में क्या हो रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन हमने सप्लाई करी थी तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी. लेकिन यहाँ पे क्या है? अमाउंट कम हो गया है. यहाँ पे दो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है और बस दो एटीपी. अब क्वेश्चन इज कि हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होगा? ये कब होता है हमारी बॉडी में? जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब ज्यादा भाग दौड़ करते हैं. आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी का हर एक सेल रेस्पायर करने लगता है. अगर हमारी बॉडी के सारे सेल्स एक साथ रेस्पायर करेंगे तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के जो ऑक्सीजन चाहिए उतना सारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी प्रोवाइड नहीं कर पाती. आपने देखा होगा सांस फूलने लगती है, बॉडी कोशिश करती है हम ज्यादा एयर इनहेल करें लेकिन इतना भी एयर इनहेल करने के बाद भी फुलफिल नहीं हो पाता. तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली एनएरोबिक प्रोसेस शुरू हो जाता है. और इसी वजह से होगा क्या, हर एक सेल में रेस्पिरेशन के दौरान दो लैक्टिक एसिड और दो एटीपी प्रोड्यूस. अब बोलोगे सर दो एटीपी से क्या फायदा हो जाएगा? दो एटीपी बहुत कम है, 38 एटीपी के कंपैरिजन में बहुत कम है. लेकिन ध्यान दो ना, हमारी बॉडी में सेल्स कितनी हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल. हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होगी, सैकड़ों से हजारों तादाद में हो सकती है. हर एक माइटोकॉन्ड्रिया अगर दो दो एटीपी प्रोड्यूस करेगा, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, बस वैसे ढेर सारी एटीपी प्रोड्यूस हो जाएंगी. और इस ढेर सारी एटीपी के साथ, एनर्जी के साथ हम क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं. तो इस तरीके से हमारी मदद ही करता है. ठीक,
तो इस चीज को हम याद रखेंगे. ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट बाय ग्लाइकोलाइसिस. फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पाइरूवेट विल गिव राइज टू लैक्टिक एसिड एंड टू एटीपी इन एनिमल्स और इन मसल्स. ओके, इसका एक साइड इफेक्ट भी है. ये जो लैक्टिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता तो एक्सहेल कर देते, लेकिन ये लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म है ही नहीं. तो ये जो लैक्टिक एसिड है हमारे मसल्स में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है. अब इसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प्स, मसल स्पैम्स होने लगते हैं. आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके जो हाथ और पैर की मसल से स्टिफ हो जाते हैं, दर्द करने लगता है. रीजन यही है, लैक्टिक एसिड सेल्स के अंदर स्टोर हो गया, इसकी वजह से दर्द होता है. अब ये दर्द जो है, पेन जो है, ये कुछ घंटों से लेके एक आध दिन तक हो सकता है, जब तक ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हो जाता. तो आपके लिए एक प्री क्वेश्चन मिल गया. एनारोबिक प्रोसेस जब ह्यूमन में होता है तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड. इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट होता है, मसल क्रैम्प हो सकता है, मसल स्पैम वगैरह भी हो सकता है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, अगर क्या होगा एनारोबिक प्रोसेस होगा तो फिर क्या होगा, वही ग्लूकोज से पाइरूवेट, कोई इशू नहीं है. लेकिन जब यही पाइरूवेट अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया वगैरह, इसमें जब होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होगा, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल. फॉर्मूला क्या है, C2H5OH. दो इथेनॉल या फिर दो इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो, प्लस 38 ATP. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर एनारोबिक रिएक्शन इन योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इस प्रोसेस को हम एक और ऑल्टरनेट नेम भी देते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन. इस चीज को हम याद रखेंगे. दोनों रिएक्शन को हम रट लेंगे. एनारोबिक प्रोसेस के लिए इंडिविजुअली 3 मार्कर और 5 मार्कर के तौर पर भी पूछा जा सकता है, प्लस डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक के तौर पे भी ये 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है. तो हमारे लिए इक्वेशन कंपलसरी. अगेन अगर आप ये फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रख सकते हो जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज इसके इंग्लिश नेम्स भी आप ऐसे ही एज इट इज लिख सकते हो. ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, इट विल प्रोड्यूस इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड ATP, ऐसे भी आप लिख सकते हो, नो इश्यू अबाउट इट. ठीक, तो एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस हमें याद रखना है, प्लस दोनों के रिएक्शंस को हमें रट के रखना है. एनारोबिक में हम याद रखेंगे मसल में इसका अलग रिएक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलग. मसल्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से आगे चल के क्रैम्प हो सकता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोड्यूस होगा इथेनॉल. और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. बाय द वे फर्मेंटेशन प्रोसेस इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से हम ब्रेड केक वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस अल्कोहल जैसे वाइन हो गया, बियर, रम वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट. चलो हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं उसके रेगुलेशन की. अब रेगुलेशन इन द सेंस, हमें पता कैसे चलेगा हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए या फिर एनएरोबिक, हम खुद से तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इसे कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल. कैसे, क्या है, देख लेते हैं. ह्यूमन बॉडी हैज द एबिलिटी टू मेंटेन और रेगुलेट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस. किस रेट से रेस्पिरेशन होगा, हाई होगा, लो होगा, ये हमारी बॉडी रेगुलेट करती है डिपेंडिंग ऑन डिमांड ऑफ द बॉडी. जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, तो एरोबिक से ऑटोमेटिकली एनारोबिक में स्विच हो जाएगा. जब हम सो रहे होते हैं तो फिर हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो स्लो डाउन हो जाता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है. तो यही सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. देखते हैं इसके बारे में. स्पेशलाइज्ड सेंटर इन मेडुलर रीजन ऑफ ब्रेन. ब्रेन में आपको पता होगा एक जगह है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा, तो वही उसी की बात करी जा रही. सो स्पेशलाइज्ड सेंटर इन मेडुलर रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल्स रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ये क्या करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. कहाँ पे पाया जाएगा, ये ब्रेन के मेडुला पार्ट या फिर मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में पाया जाता है. तो हम इसको याद रखेंगे, ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया. सो रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ ब्रेन. सो विद दिस वी आर डन विद द रेस्पिरेशन एंड द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस, दैट इज एरोबिक एनारोबिक एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन को हमने वाइंड अप कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, उनके जो एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स या फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, इन एक एक करके डील करेंगे. सो फर्स्ट डिजीज इज एस्थमा.
जिसे हम दमे की बीमारी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लीडिंग टू वीजिंग। वीजिंग का मतलब है जब हम सांस फूलने लगती है, जब हम तेजी से सांस लेने लगते हैं, जब सांस फूलने वाली वो जो सिचुएशन आती है ना, उसी को हम कहते हैं वीजिंग। तो ये हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। कल हमने पढ़ा था ब्रोंकियोल के बारे में, जब ब्रोंकियोल में सूजन वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से एयर सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, जब हमारी बॉडी को कम एयर मिलने लगता है तो हमारी सांस फूलने लगती है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एस्थमा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लीडिंग टू वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट आते हैं एम्फीसीमा की तरफ। व्हाट इज एम्फीसीमा, इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक, महीनों सालों तक कंटिन्यू हो सकता है। इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड लीडिंग टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। एल्वियोली है कहाँ पे, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जो एल्वियोली है, अगर इनकी दीवारें डैमेज हो जाती तब। डैमेज क्यों होंगी, जब हम स्मोक करते हैं या फिर पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो ये जो स्मोक डस्ट वगैरह जो चीज़ें हैं ये सब हमारे एल्वियोली के अंदर चिपक जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से एल्वियोली की दीवारें क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से आगे चल के करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग में एंटर नहीं हो पाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीसीमा। इसके दो कॉजेज रहेंगे, सबसे मेजर कॉजेज है स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन या फिर डस्ट। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एज द नेम सजेस्ट, ऑक्यूपेशन की वजह से अगर रेस्पिरेटरी डिजीज होता है तो हम इसे कहते हैं ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन सम इंडस्ट्रीज लाइक स्टोन क्वेरी, एश ब्रिक मेकिंग या फिर फ्लोर मिल्स, इनमें कॉमन क्या है, धूल मिट्टी ज्यादा रहती है। तो इन इंडस्ट्रीज में होता क्या है, डस्ट अफेक्ट आर लंग्स एंड दिस कैन लीड टू फाइब्रोसिस कॉजिंग लंग डैमेज। अब जॉब की वजह से या फिर जॉब जहां पे हम कर रहे हैं वहां पे अगर जो डस्ट वगैरह मौजूद है, अगर इनकी वजह से हमारी लंग्स को डैमेज होता है, फाइब्रोसिस वगैरह होता है, तो इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस इज थिकनिंग एंड स्कैरिंग, मतलब ब्रेक डाउन या फिर कह सकते हो रपचरिंग, स्कैरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और टिश्यूज अराउंड लंग्स। अब होता ये जो धूल मिट्टी एयर में मौजूद है, जब हम इसे इनहेल करते हैं तो ये लंग्स के अंदर जाके चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग के आसपास की जो टिश्यू है जो कि फ्लेक्सिबल होती है वो अब क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। हार्ड होने की वजह से आगे चल के वो टूट सकती है, रपच्चर हो सकती है, दैट मीन्स वो स्कैर हो सकती है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फीसीमा ORD लगभग एक जैसे है, बारीक सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। एम्फीसीमा लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, हम स्मोक कर रहे हैं, पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं। ORD का रीजन क्या है, ये हमारी जॉब की वजह से हो रहा है, वरना लगभग दोनों सेम है। नेक्स्ट निमोनिया, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ एल्वियोली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। फिर आते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे आप TB के नाम से भी जानते हो, अ स्लो प्रोग्रेसिव निमोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इस बैक्टीरिया की वजह से जब निमोनिया जैसी कंडीशन होती है तो हम इसे कहते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर TB। बाय द वे, TB जो बीमारी है उसके लिए जो दवाई आती है उस दवाई का नाम क्या है, डॉट्स, DOTS, डॉट्स इज द मेडिसिन प्रोवाइडेड फॉर TB। नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लुएंजा। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, इसका कॉमन नेम क्या है, इसे फ्लू भी कहा जाता है। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स और अटैक्स आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज नोज, थ्रोट एंड लंग्स। ये होता किस वजह से है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट लंग कैंसर, इट मोस्टली हैपन्स इन मेन पार्ट ऑफ आर लंग, जो हमारे जो मेन, जो आपने याद, अगर कल लंग का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, लोब्स होते हैं ना, तो ये मेजर जो इंपॉर्टेंट जो टॉप मोस्ट लोब है वहां पे होने के चांसेस ज्यादा रहता है, इन और नियर द एयर सैक्स वहां पे होगा, या फिर जो एल्वियोली वगैरह है उसके अंदर भी ये डैमेज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स वर्ल्ड वाइड। एंड अगेन, लंग कैंसर का जो मेजर रीजन है वो स्मोकिंग है, ठीक, इस चीज को शायद हम याद रखेंगे। तो लंग कैंसर कहाँ होता है, लंग्स में होता है, जब एल्वियोली वगैरह डैमेज हो जाती है, अगर वहां पे कैंसर हो तो हम इसे लंग कैंसर कहते हैं। और जितने भी कैंसर रिलेटेड डेथ है उनमें लंग कैंसर के रैंक सबसे ऊपर है, हाईएस्ट रैंक है। उसके अलावा एक और डिजीज अभी जो नई, मतलब आप नोटिस भी करा होगा और अभी पूरी दहशत फैला रखी है, कोविड, ठीक, वो भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो कि रेस्पिरेशन, मतलब गैस की वजह से, सॉरी, जो
गैस की वजह से कह रहा हूँ, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि कोविड वायरस या फिर कोरोना वायरस की वजह से फैल रहा है। ये रेस्पिरेटरी डिजीज होने की वजह से, किसी के खांसने की वजह से, ड्रॉपलेट वगैरह की वजह से, जैसे निमोनिया टीबी वगैरह फैलता है, इन्फ्लुएंजा जैसे फैलता है ना, बस वैसे ही फैल रहा है। हम कोविड के लिए क्या याद रखेंगे, कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस। किस टाइप का डिजीज है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। किसे अफेक्ट करेगा, ये हमारे लंग्स नोज वगैरह को अफेक्ट कर सकता है, ठीक, हम इसे याद रखेंगे। एनीवेज, द स्पेसिफिक टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये प्री और मेंस में 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। With this, we are done with your respiratory system. कल हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे। Till then, have a good day.